स्वयं स्टडी चैनल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब अपडेट, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, एजुकेशन न्यूज, न्यूज एनालिसिस, इम्पोर्टेंट डे, इंग्लिश ग्रामर, ऑल गवर्नमेंट स्कीम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूट्यूब के ट्रिक्स एंड टिप्स के वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी और पार्ट टाइम जॉब की अपडेट। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए और सारी अपडेट के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए और स्वयं स्टडी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले इंडियन नेवी में जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है, इनमें आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है हम डिटेल में देखने वाले। आपको कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम आती है, इनमें कोई भी एग्जाम हो, इनमें पहले रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो पहले भाग में हम देखेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है जो इंडियन नेवी में जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है इनमें। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको वेबसाइट दिखाई देती है कि joinindiannavy.government.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और इनको आपको क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाने से वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको क्लिक करने से यहाँ पर आपको दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद आप इनके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विद द वर्चुअल आईडी एंड रजिस्ट्रेशन विद विदाउट आधार कार्ड। तो बता देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन विद आधार वर्चुअल आईडी, तो आधार कार्ड होता है और आधार कार्ड में ही VID नंबर यानी कि वर्चुअल आईडी नंबर होता है। आपको वर्चुअल आईडी नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है तो उनसे भी आप कर सकते हो और विदाउट आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करना है तो भी आप कर सकते हो। दोनों में डिफरेंट है कि आप VID से आप लॉगिन करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके जो डाटा होता है जैसे कि आई की रेटिना, आपके फिंगरप्रिंट, वो सब इंडियन नेवी के पास नहीं रहेगा VID से आप लॉगिन करोगे तो। और रजिस्ट्रेशन विथ आधार कार्ड करोगे तो सभी डिटेल होती है वो एक्सेस कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है तो आप VID से करो तो अच्छा है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। आप विथ आधार, विदाउट आधार कार्ड भी कर सकते हो। फादर नेम, मदर नेम, आप डोमिसाइल को सर्टिफिकेट आपके पास है तो कौन से राज्य का है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका लॉगिन आईडी में क्या रखना है, मोबाइल नंबर रखना है, ईमेल आईडी रखना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और पासवर्ड, वो आपको बना लेना है। और जैसे ही आप कैप्चर कोड को फिलअप कर दोगे, कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद आप इनमें अप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा जो आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड वो आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा। जैसे ही आपकी मेल आईडी पर आपके पास पासवर्ड आ जाता है तो इनके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको वही स्टार्टिंग के भाग में जाना है। रजिस्ट्रेशन लिखा था, उनके नीचे लिखा था लॉगिन लिखा था, तो लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है।